Subscribe to Himanshwarya Tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लियर है ना। हमारा तीसरा पार्ट सेल का शुरू हो गया था यहाँ से, और उसमें हमें बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं। टोटल हमें 8 सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं, जिसमें से आज शुरू करूँगा मैं सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल, एंड दैट इज आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का जो टॉपिक हो गया वो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कोई ये मत पूछना कि ये है क्या, दिस इज सिंपली ए सेल ऑर्गेनेल, एक स्ट्रक्चर है, एक टाइनी स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होंगे, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, ये कैसे बनेगा, है ना, इसमें कौन कौन सा प्रोसेस चलेगा, इन सब चीज़ों को ही तो यहाँ पे पढ़ेंगे, क्लियर है ना। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान से देखना। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाई गार्नियर, एक साइंटिस्ट थे, क्लियर है ना, इन्होंने इसे सबसे पहले ऑब्जर्व कर, क्लियर है ना। आगे देखो, दूसरा पॉइंट लिखना, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब समझ लो। देखो, एक होता है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब एक तरह से यूं समझ लो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, आ रहा समझ में। जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या देखा था, तो वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ही था बेसिकली, क्लियर है ना। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसने दिया था, ये लिख लोगे, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर वॉज गिवेन बाई, यहां लिख लोगे इस तरीके से, कीथ आर पॉटर, ये एक साइंटिस्ट हुए हैं। दूसरे हैं एल्बर्ट क्लॉड, ये दूसरे साइंटिस्ट हुए। तो इन दोनों ने मिलके दिया था इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये दो साइंटिस्ट हो गए, कीथ आर पॉटर और एल्बर्ट क्लॉड, इन्होंने ही दिया था क्या, अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था किसका, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आगे देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये जो नाम है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वॉज गिवेन बाय, तो ये जो है ना कीथ आर पॉटर, इन्होंने ये टर्म प्रोवाइड किया था, टर्म दिया था, क्लियर है ना। तो यहाँ पे फिर से लिख लो, तो इन्होंने ही ये टर्म दिया था जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, क्लियर है ना। आगे लिखना, अभी तो हम बस बेसिक्स पढ़ रहे हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। आपने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पढ़ रखा है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था न्यूक्लियस में, जब मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा था, याद करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेम्ब्रेन है पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या नहीं, पहले ये बात कर लेते हैं। मैंने वैसे यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कल का क्लास अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंगल मेम्ब्रेन तो होंगे ही होंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन वाला प्रोकैरियोट में तो होता ही नहीं है, सिंपल सा यहाँ पे समझो लॉजिक, तो यूकैरियोट में होगा, आ रहा समझ में। तो इसलिए इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट, और अगर प्रोकैरियोट की बात करें ना, तो साथ ही साथ लिख लेंगे एंड एब्सेंट इन, एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो कहाँ एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट में क्या होता है, तो प्रेजेंट होता है। इतना तक क्लियर हो गया, क्योंकि क्यों भाई, तो देख लो यहीं पे समझ लो, आपको रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि ये क्या है, तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है, इट इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड में मैंने एग्जाम्पल में भी लिखाया था, अगर नहीं लिखे होगे तो वहां जाके लिख लोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट में क्या हो गया, ये एब्सेंट हो गया। अब देखो इसके बाद समझोगे, अब हम देखने जा रहे हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, पहले ना उसे तोड़ तोड़ के बनाएंगे, फिर लास्ट में एक बार पूरा ही बना देंगे, समझोगे उसे। यानी हम देखने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके एलिमेंट्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग, एलिमेंट्स ऑफ, मैं ईयर लिख दूं शॉर्ट में,
ईयर फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आगे अगर मैं जहां भी ईयर लिखूंगा वहां आप समझ लेना वो ईयर स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के देख लो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं ना वो किस किस पार्ट्स का वो बना होता है। तो सबसे पहले देखो इसमें होते हैं सिस्टर्नी। क्या होता है सिस्टर्नी, कैसा दिखता है अभी बताएंगे इसे डिटेल करके। दूसरा होता है हमारा वेसाइकल्स और तीसरा होता है हमारा ट्यूब्यूल्स। तो याद रखोगे सिस्टर्नी, वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स। देखो यहीं पे एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, एक अभी थोड़ी देर आगे बढ़ेंगे ना हम तो हमारा एक आएगा गॉल्गी बॉडी, क्लियर है ना। तो गॉल्गी बॉडी में भी ना लगभग यही होते हैं, वहां देखो क्या होता है सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और यहाँ पे ट्यूब्यूल्स के जगह पे ना वैक्यूल्स हो जाएंगे। तो ये आपको जरूर याद रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे सिस्टर्नी, वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स हो गए, और अगर यही गॉल्गी बॉडी होता तो आप होता सिस्टर्नी, वेसाइकल्स, वैक्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के जगह पे क्या आ जाएगा वैक्यूल्स। वैसे उसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ इसके ईआर के तीन पार्ट्स हो गए, अब तीनों को हम एक एक करके देखेंगे, आ रहा समझ में। तो देखो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं, तो सिस्टर्नी देखने जा रहे हैं, क्लियर है ना। अब देखो सिस्टर्नी होता क्या है, सबसे पहले समझोगे, आपने न्यूक्लियस समझा था ना सही तरीके से, अगर नहीं देखा था तो आप पहले जाके न्यूक्लियस देखोगे, और अगर आपने न्यूक्लियस देख रखा है तो याद करो मैंने न्यूक्लियस को कुछ इस तरीके से बनाया था, आप याद करना। ये देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बना रहा हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो होते हैं ना याद करो, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है ना न्यूक्लियस, ये इस तरीके से मेम्ब्रेन था न्यूक्लियस का। तो हमें बस एक से समझोगे, एक से ही समझो, मैं बाकी को यहाँ इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब एक से समझोगे कि इस तरीके से मान लो एक न्यूक्लियस का ये मेम्ब्रेन है बाहर वाला, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन हो गया, ये अंदर वाला, दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ये अगर पूरा देखा जाए ना तो इस तरीके से न्यूक्लियस है, आप समझ लो, अब क्लियर है। अब देखो क्या होगा, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर वाले मेम्ब्रेन से, ध्यान देना, बाहर वाले मेम्ब्रेन से कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर निकलेगा, आ रहा समझ में, यानी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर निकलेगा इधर से, आ रहा समझ में ना। सिर्फ एक मैंने एक दिखाया, आप इधर भी देखो, इधर भी देखो, तो हर तरफ से निकल सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि यहीं से निकलना है, लेकिन कहां से निकलेगा, तो बाहर वाले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर निकलेगा, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकलेगा, इसको हम बोलेंगे सिस्टर्नी, आ रहा समझ में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेजिनेशन, समझोगे, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है इवेजिनेशन। तो क्या हो रहा है इवेजिनेशन, वैसे मैंने साइटोसिस में भी यूज किया था याद करो, इवेजिनेशन मतलब क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। अगर अगर यहीं पे रहता इनवेजिनेशन तो क्या होता, अंदर की ओर, जैसे याद करो साइटोसिस में इस तरीके से मेम्ब्रेन था तो यहाँ पे फूड मटेरियल आता था तो ये अंदर की तरफ धस जाता था, दिस इज इनवेजिनेशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, उसके जो मेम्ब्रेन है ना एक तरह से बाहर की ओर निकल के एक ट्यूब्यूल, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टर्नी बोल रहे हैं, क्लियर हुआ। अब देखो यहीं पे समझ लोगे थोड़ा सा, सिस्टर्नी हो गया, वेसाइकल्स जो होंगे ना वो सिस्टर्नी के ही आसपास प्रेजेंट होंगे, ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर ना। और जो ट्यूब्यूल्स होता है ना तो यही सिस्टर्नी आगे बढ़ेगा और फिर इसकी क्या हो जाती है ना, इस तरीके से ब्रांचिंग होनी शुरू हो जाती है, क्लियर है। तो ये जो ब्रांचिंग होती है ना दिस इज कॉल्ड ट्यूब्यूल्स। अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि सिस्टर्नी और वेसाइकल्स इन दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अच्छा एक एक क्वेश्चन, राइबोसोम बना कहाँ था जरा सोच के बताना, राइबोसोम तो प्रोटीन बना रहा था ठीक है, राइबोसोम कहाँ बन रहा था, राइबोसोम को कौन बना रहा था, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लो। राइबोसोम बना रहा था न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर था दैट इज न्यूक्लियोलस, वही फॉर्म क्या कर रहा था, राइबोसोम फॉर्म कर रहा था, इतना आपको याद होना चाहिए, क्लियर है ना। तो ये आपने समझ लिया, यहाँ क्या हो गया इवेजिनेशन हो गया, और इवेजिनेशन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज व्हाट नोन एज सिस्टर्नी, दिस इज नोन एज सिस्टर्नी, समझ गया ना।
तो ध्यान दोगे इसे, मैं लिखता हूं यहां पे कुछ कुछ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिख लोगे, इट इज फॉर्म्ड बाई इवेजिनेशन। दिख रहा है ना? इवेजिनेशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके इवेजिनेशन से क्या बनेगा, तो सिस्टर्नी बनेगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखोगे, इट इज स्टडीड विथ राइबोसोम। यानी क्या होगा ना, इस तरीके से देखो, यहां पे मैं दिखाता हूं, इसे तो अभी हटा देता हूं मैं, ठीक है ना? यहां पे क्या होगा ना, तो इस तरीके से राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ये मैं जो रेड से दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा राउंडेड स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट, तो ये क्या है, तो राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, कुछ दूसरे ऑर्गेनल्स में एक राइबोसोम भी तो पढ़ना है ना, वो भी तो सेल ऑर्गेनल में ही है। आ रहा समझ में? तो इस तरीके से राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर स्टडीड विद राइबोसोम। अगर राइबोसोम के बारे में कोई पूछ दे सिंपल सा, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो याद रखना साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा, क्योंकि बन तो यही रहा है ना। सॉरी, साइटोप्लाज्म नहीं, अभी न्यूक्लियस के अंदर, देखो न्यूक्लियस के अंदर है हम लोग, तो यहां से बना। क्लियर है ना? इसके बाद देखो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आया, इसके बाद साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना? तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, एक देख लो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी और वेसाइकल्स, इन दो जगहों पे प्रेजेंट होता है, ट्यूब्यूल्स पे प्रेजेंट नहीं होता है। और दो ऑर्गेनेल्स होते हैं, दो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं अलग से। यहाँ पे आप, या एक तो ये हो गया ना आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आप और याद रखोगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, वहां पे भी आपको राइबोसोम दिख जाएगा। क्लियर है ना? और वो डबल मेम्ब्रेनस भी होते हैं वहां, उसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसे, वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है? तो यहां तक क्लियर है ना? यहाँ पे इट इज स्टडीड विद राइबोसोम। नेक्स्ट पॉइंट इज, समझोगे, यहाँ पे देखो एक नोट बना के पॉइंट लिख लेना, ऐसे लिख लो, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन। क्लियर है ना? ये जो मेम्ब्रेन है इसके, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसके मेम्ब्रेन से ये अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड राइबोफोरिन। तो राइबोफोरिन एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन एक तरह से देखा जाए ना तो फेविकॉल का काम कर रहा है, उसको मेम्ब्रेन से अटैच करके रखने में हेल्प कर रहा है, उसको अटैच रखने में हेल्प कर रहा है। क्लियर है ना? सो इट इज जस्ट फंक्शनिंग लाइक एन एडहेसिव। क्लियर है? इसको चिपकाने में हेल्प कर रहा है। और दूसरा, अगर कहीं साइटोप्लाज्म में पड़ा है तो वहां पे तो किसी चीज को चिपकाने की जरूरत है नहीं, चिपकाने की जरूरत कहाँ, जहां मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर यहाँ चिपक के नहीं रहेगा ना तो फिर यहाँ से ये मतलब कि डिस्प्लेस हो सकता है ना, लेकिन डिस्प्लेस होने नहीं देना है हमें, ठीक है ना? अब देखो इसके आगे समझोगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, एक और पॉइंट इसी में लिख लेना, इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ रहे हो ना, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक है, समझ में? लेकिन यही अगर ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे ना कभी, तो ये क्या होगा कि पीछे की ओर चला गया गया ना, और ये किधर प्रेजेंट होगा, तो एक तरह से तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ नजदीक होगा। यानी इसको इस तरीके से समझो कि इस तरीके से एक पूरा सेल है, अब यहाँ न्यूक्लियस है, तो यहां से ये इस तरीके से निकला ना, अरे समझ में, इस तरीके से मान लो निकला, अब इधर जाके इसकी ब्रांचिंग हुई। क्लियर है? समझ लो एक रफ डायग्राम। तो ये देखो, ये जो ट्यूब्यूल्स होंगे देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, लेकिन ये जो सिस्टर नहीं है, ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है। उसी तरीके से तुम इधर से एक ऐसे समझ सकते हो, एक इधर से इस तरीके से निकला है ना, आ रहा समझ में? तो एक इधर से भी निकला,
और इस यहीं पे एक बात और समझ लोगे जब देख लियो, तो यहाँ क्या होता है ना कि ये कर क्या रहा है ना कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ना एक तरह से ढांचे का काम कर रहा है, एक स्केलेटन का काम कर रहा है। तो इसीलिए पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोस्केलेटल भी बोलते हैं, साइटोस्केलेटल ऑफ सेल यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तरह से ये क्या कर रहा है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है सेल को ना, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, एक ढांचा प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हमारे बॉडी में ना हमारा बोन्स जो है, हमारे बॉडी का जो बोन्स है स्केलेटल सिस्टम समझ रहे हो, तो वैसे ही इसका स्केलेटल सिस्टम की तरह एक तरीके से ये काम कर रहा है। आरंभ समझ में, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ से स्टडी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखोगे दूसरा देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, सिस्टर्नी हो गया हमारा, दूसरा देखो यहीं पे। तो दूसरा क्या था हमारा, वेसाइकल्स थे ना, सिस्टर्नी के बाद दूसरा पढ़ना है हमें वेसाइकल्स। तो वेसाइकल्स आर सिंपली अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट नियर द सिस्टर्नी। अरे समझ में, वेसाइकल्स क्या होंगे, सिंपली स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होंगे जो सिस्टर्नी के नजदीक में प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल सा इसमें लिख लो, दीज आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नियर सिस्टर्न, सिस्टर्नी के नजदीक प्रेजेंट होंगे, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और इसी को क्या बोलेंगे हम, वेसाइकल्स बोलेंगे। क्लियर है ना। आगे देखना, ये हो गया सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के नजदीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो लिख लोगे इट इज ऑल्सो स्टडेड विथ राइबोसोम। दूसरा पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट लिख लो इसी में, इट इज क्लोजर टू व्हाट, तो सिस्टर्नी। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो सिस्टर्नी के ही नजदीक। अगर स्ट्रक्चर देखो सिंपल सा, तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाओ और इसमें तुम क्या दिखा दो, राइबोसोम दिखा दो। आरंभ समझ में, ये क्या है भाई, तो राइबोसोम है। आरंभ समझ में, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सिंपल सा वेसाइकल्स हो गया। आरंभ समझ में, इसके बाद देखेंगे हम ट्यूब्यूल्स देखेंगे। इसके बाद जो हमें पढ़ना है थर्ड, थर्ड वन इज ट्यूब्यूल्स। क्लियर है ना। तो ट्यूब्यूल्स देखो, इसको समझना ध्यान से, सिस्टर्नी वेसाइकल्स ट्यूब्यूल्स। वैक्यूल्स कहाँ आएंगे, गॉल्गी बॉडी में आएगा। क्लियर है ना। देखना, ट्यूब्यूल्स कुछ नहीं है, ये जो अभी आपने देखा था सिस्टर्नी, सिस्टर्नी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है, और आगे जाके ना एक ऐसा समय आता है जहां पे ये इसके जो राइबोसोम्स होते हैं यहाँ से डिटैच करता है एक तरीके से। क्लियर है ना। और डिटैच करके देखो, अगर मैं एक तरीके से बताऊं ना, तो देखो यहाँ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। ट्रांसपोर्ट कैसे चलेगा चीजों का, वो समझने की कोशिश करना। न्यूक्लियस के अंदर से शुरुआत करते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट ने राइबोसोम बनाया, और राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल के फॉर्मेशन में। सेल का 60% पार्ट ना प्रोटीन ही है समझ लो, या यूं कहो ना कि प्रोटीन का मतलब लाइफ, प्रोटीन का मतलब लाइफ। अभी जब आप कभी ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस पढ़ोगे तो वहां समझ में आएगा आपको कि प्रोटीन का जो ये एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने को मिलेगा आगे क्लास में, है ना, मीलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया ना कि कुछ जो गैसेस वगैरह होते हैं, कुछ नॉन लिविंग ये सब्सटेंस हो गया, उन सब से, गैसेस वगैरह से और भी कुछ सब्सटेंस से, उनसे ना उन्होंने प्रोटीन का फॉर्मेशन दिखाया था, और उन्होंने यही बताया था कि यहीं से लाइफ की मतलब लाइफ आया रहा होगा, ये पॉसिबिलिटी उन्होंने शो किया था। क्लियर है ना। तो इसे समझना एक्चुअली कि हम क्या बता रहे था, तो न्यूक्लियस के अंदर से शुरू हुआ राइबोसोम का फॉर्मेशन, और राइबोसोम ने फिर क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटीन बनाना शुरू किया। अब देखो न्यूक्लियस के बाहर निकला तो कहाँ आ गया, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो कहाँ आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है ना, उस राइबोसोम का ना मैचुरेशन हो रहा है, यानी वो जो राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है उसका मैचुरेशन भी हो रहा है साथ ही साथ। अब साथ ही साथ वो जब आगे बढ़ा तो फिर वो वेसाइकल्स में आएंगे। अब ये वेसाइकल्स जो है ना यही कनेक्ट करेगा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को गॉल्गी बॉडी से। मैंने एक सिस्टम बताया था GERL सिस्टम करके, वैसे हमें पढ़ना नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझोगे,
कि ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब ये जो वेसाइकल्स है ना ये चले जाएंगे गॉल्गी बॉडी के पास और वहां इसको इंडोसाइटोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यानी ये चला जाएगा अंदर उस गॉल्गी बॉडी में। फिर वहां पे और भी जो प्रोटीन्स है उसका और भी मैच्यूरेशन होगा और फाइनली वहीं पे फॉर्म करेगा तुम्हारा लाइजोसोम। क्लियर है ना? तब जाके हमारा पूरा सिस्टम बनता है, GERL सिस्टम, गॉल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइजोसोम सिस्टम। ठीक है ना? तो यहाँ समझोगे टिब्यूल्स क्या है, तो टिब्यूल्स बेसिकली सिस्टर्नी का ही आगे का पार्ट है जिसमें कि राइबोसोम क्या कर दिया है, तो लॉस्ट, मतलब विच हैज लॉस्ट इट्स राइबोसोम, राइबोसोम को लॉस्ट करने के बाद जो बना है वो क्या है, तो टिब्यूल्स है बेसिकली। क्लियर है ना? तो लिख लोगे पहला पॉइंट, लिख लोगे इस तरीके से, लिख लो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम। अब देखो ये बनेगा कहां से, तो यहां पे एक चीज मैं तुम्हें बतला देता हूं, चलो ऐसे लिख देते हैं, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिस्टर्नी, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको। सिस्टर्नी बाय लूजिंग इट्स राइबोसोम, सिस्टर्नी से ही बनेगा कब, जब वो राइबोसोम लूज करेगा। ठीक है ना? और अगर देखा जाए ना तो सिस्टर्नी और वेसाइकल्स ये दोनों पार्ट होते हैं RER के। अब यहाँ पे देखो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, उसे मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, मैं इधर इरेज कर रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा ना, तो यहीं पे देखो थोड़ा सा समझ लेना, फिर उसे मैं आगे भी बताऊंगा। ठीक है? तो देखो यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया RER, और इसी के साथ एक आता है SER, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। RER फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों में ही, R फॉर रफ, S फॉर स्मूथ। अब इसको थोड़ा सा समझोगे, देखो रफ और स्मूथ बेसिकली एकदम से नॉर्मल लैंग्वेज में हम देखते हैं कि क्या होता है, बाद में इसको देखेंगे। तो जैसे ये बोर्ड है, तो इस पे देखो अगर मैं हाथ इस तरीके से स्लाइड कर रहा हूँ तो मुझे ये स्मूथ लग रहा है ना? अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, सैंड, सैंड समझ रहे हो ना, सैंड पार्टिकल्स, इस पे सैंड पार्टिकल्स मैंने चिपका दिया किसी तरीके से, चाहे फेविकॉल की हेल्प से या फेविक्विक कुछ भी हेल्प से मैंने इस पे चिपका दिया ढेर सारे वो सैंड के पार्टिकल्स, और अब हाथ इस तरीके से कर रहे हैं तो अब मुझे ये क्या फील होगा, रफ फील होगा। अरे समझ में, यानी दीवार को तुम रब करो रफ फील होगा, लेकिन बोर्ड को रब करो तो स्मूथ फील होता है। सो ऐसे यहां समझ लो, यहाँ पे आप समझ लो ना कि राइबोसोम जो है, देखो बस आपके समझने के लिए है, वैसे ये है नहीं, राइबोसोम को ना आप मान लो सैंड का पार्टिकल्स है, राइबोसोम को क्या मान लो, सैंड पार्टिकल्स, बस मानने के लिए है नहीं ये, ठीक है ना, आपको बस याद रखने के लिए। तो जहां भी सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो रफ लगेगा कि नहीं, उसे छूने में रफनेस आ जाएगा, और जहां नहीं प्रेजेंट होगा तो वो स्मूथ लगेगा ऑब्वियसली। तो तुम अब बताओ राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट था, तो सर सिस्टर्नी में प्रेजेंट था और वेसाइकल्स में प्रेजेंट था, तो सिस्टर्नी और वेसाइकल्स किसके पार्ट हो जाएंगे, RER के हो जाएंगे। लेकिन अगर टिब्यूल्स की बात करें तो टिब्यूल्स किसका पार्ट हो जाएगा, ACR का हो जाएगा, यहीं पे समझ लो, मैं आगे डिफरेंस में लिखा दूंगा इसे। लेकिन यहाँ पे आप एक पॉइंट समझ सकते हो कि यहाँ मैं ये भी लिख सकता था, इट इज फॉर्म फ्रॉम RER, है ना, बाय लूजिंग इट्स राइबोसोम, बस इसलिए मैंने समझाया। तो RER से ही बेसिकली बनता है जब वो अपने राइबोसोम को लूज कर देता है। क्लियर हुआ ना यहाँ पे? तो इतना आपको समझ गया, इतना आप समझ गए हो कि ये क्या करता है, तो यहां से बनता है सिस्टर्नी से। क्लियर है ना? आगे लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, दीज आर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम तो यही लॉस्ट कर गया। क्लियर है ना? और ये इसके जो स्ट्रक्चर, इसमें ब्रांचिंग होती है, इससे पहले ब्रांचिंग नहीं थी। क्लियर है ना? वो तो बस मुड़ा हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, क्वाइल्ड था, लेकिन ब्रांचिंग नहीं थी। अब क्या होगा, तो इसमें ब्रांचिंग होगी, आ रहा समझ में? और यहीं पे एक पॉइंट लिख लेना, इट इज क्लोजर टू व्हाट, तो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक होगा। ये किसके, वेसाइकल्स किसके नजदीक होगा, सिस्टर्नी के। सिस्टर्नी किसके नजदीक होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। और ट्यूबल्स किसके नजदीक होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। एक और बात याद रखना कि जो यहाँ पे देखो एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया था, वो आप समझ लोगे, सिस्टर्नी है ना और ट्यूब्यूल्स। तो अगर इन दोनों में ल्यूमेन की बात करें, किसकी बात करें, ल्यूमेन। ल्यूमेन मैंने शायद समझाया था आपको, नहीं समझाया तो समझ लोगे अभी। ये देखो जैसे ये आपको दिख रहा है मार्कर, अभी मैं क्या करता हूँ, इसे मैं इस तरीके से ओपन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो दिख रहा है ना अंदर का जो पार्ट जिसमें कुछ डला हुआ सा है ना, अगर इसमें मैं वाटर फ्लो करूं तो इधर से निकलेगा, अभी तो नहीं निकलेगा क्योंकि ये क्लोज है, लेकिन इसे भी आप इमेजिन करो कटा हुआ सा है। तो अंदर का जो पार्ट हुआ ना जिस एरिया से वो वाटर फ्लो करेगा, दैट इज इट्स ल्यूमेन। तो अगर मैं एक मार्कर की बात कर रहा हूँ तो इसका ल्यूमेन क्या है, थोड़ा ज्यादा है। अगर मैं दूसरा एक देखो पेन की बात कर रहा हूँ, अब देखो ये पेन है तो इसका ल्यूमेन क्या है, इसके कंपेरिजन में क्या है, कम है। आ रहा समझ में, अगर दोनों से सेम अमाउंट ऑफ वाटर पास किया जाए तो प्रेशर किस में ज्यादा होगा, सोच के बताना, क्लियर है ना। चलो छोटे वाले में होगा यानी पेन में होगा। तो यहाँ देखो सिस्टर्नी का जो ल्यूमेन होगा ना, ये ल्यूमेन होता है नैरो, आ रहा समझ में। और ट्यूबुल्स का जो ल्यूमेन होता है ये होता है वाइडर, क्लियर है ना। इसका जो ल्यूमेन होता है सिस्टर्नी का, यानी सिस्टर्नी पतला ट्यूब होता है एज कंपेयर टू ट्यूबुल्स। ट्यूबुल का जो मतलब वेट होता है ना जो, वो लगभग 50 to 100 माइक्रो मतलब ये माइक्रोन होता है, माइक्रोमीटर। और ये जो होता है ना ये लगभग 30 to 50 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, क्लियर है ना। तो ये भी पॉइंट आप याद रखोगे, यानी सिस्टर्नी वाले में लिख सकते हो आप इसे जाके कि इट्स ल्यूमेन इज नैरो, और यहाँ ट्यूबुल्स वाले में लिख सकते हो इट्स ल्यूमेन इज वाइडर। इसके ल्यूमेन क्या होंगे, वाइडर होंगे, और उसके ल्यूमेन क्या होंगे, तो नैरो होंगे, क्लियर है ना आपको। तो यहाँ तक आपने देख लिया होगा, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखे होगे तो जल्दी से इसे नोट करोगे, ठीक है ना। चलो तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद समझोगे, ठीक है ना, यहीं पे इसके बाद समझोगे। हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या देख रहे हैं, टाइप्स देख रहे हैं किसके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, क्लियर ना। तो यहाँ हेडिंग लगा दोगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो टाइप्स में देखो बेसिकली हमें दो टाइप पढ़ना है, एक आरईआर दूसरा एसईआर। तो इसको क्या करते हैं ना, हम डिफरेंस बना के ही पढ़ लेते हैं इसे। तो एक तरफ लिख लेंगे हम आरईआर और दूसरे साइड हम लिख लेंगे एसईआर, क्लियर है ना। और यहाँ पे एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते चलेंगे। तो देखो यहाँ पे वही सब पॉइंट्स लिखेंगे जो लगभग आपको पहले से पता होगा, अभी अगर आपने सही तरीके से ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको लगभग बातें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट आरईआर में लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट लिख लोगे यहाँ पे, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसाइकल्स। यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, तो सिस्टर्नी और वेसाइकल्स। अगर यहां बात करें तो यहां क्या लिख लोगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ क्या है, तो ट्यूब्यूल्स। याद करो अभी मैंने बताया है इसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसमें सिस्टर्नी और वेसाइकल्स होते हैं। यहां देखो राइबोसोम क्या होगा, प्रेजेंट या एब्सेंट, राइबोसोम बाबू प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना। और यहाँ पे राइबोसोम क्या होगा, राइबोसोम एब्सेंट होगा, क्लियर है ना। अगर मैं लोकेशन की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ लिख लोगे क्लोजर, क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना, क्लोजर टू व्हाट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहां क्या लिख लोगे, क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक है ये
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक है। आगे देखो एक, अब जो लास्ट पॉइंट है वही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ सिंपली से लिख लेना, इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन। देखो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा कैसे भाई, तो इसके पास राइबोसोम है भाई, तो प्रोटीन तो बनाएगा ही, राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन बनाना, सोचना क्या है इतना इसमें है ना, और साथ ही साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा जहां भी उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेगा वो सब देखेंगे धीरे धीरे। यहाँ याद करना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रोटीन नहीं बनाता, ये लिपिड बनाता है, यानी हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, और साथ साथ इसका ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा। यहां पे एक और पॉइंट लिख लोगे, ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे देखो ड्रग्स वो मत समझ लेना है ना जो लोग ड्रग्स करते हैं, यहाँ पे ड्रग्स का मतलब कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस समझ सकते हो जो बॉडी को टॉक्सिक करेगा, है ना, तो उससे उसको क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, मतलब उससे उसके हार्मफुल कैरेक्टर को कम करने की कोशिश करेगा, ये क्लियर है ना, बस इतना ही है। तो यहाँ आरईआर और एसईआर में आपने डिफरेंस देख लिया, इसके बाद देखता हूँ मैं और कुछ बचा है या नहीं, तो इसे जल्दी से नोट करो, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो देखोगे अब हम फाइनली देख रहे हैं, बस एक लास्ट इसी का बस टॉपिक, और वो है फंक्शन देख लेते हैं हम, ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे बस एक लास्ट टॉपिक बच गया हमारा, और वो क्या है, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे मैं किसी का एक एक करके नहीं पढ़ रहा हूँ, सिंपली पढ़ रहा हूँ फंक्शन ऑफ ईआर, ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये भी पॉइंट्स आपको पहले से क्लियर होगा लगभग, में सबसे पहला फंक्शन लिखना, इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, मैंने बताया था ना स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा, फ्रेमवर्क टू द सेल, सेल को ये क्या कर रहा है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, सो इसीलिए ना इट इज एक्टिंग लाइक ए साइटोस्केलेटन, आ रहा समझ में, दैट इज इट एक्ट्स लाइक अ साइटो स्केलेटल, क्लियर है ना, साइटो स्केलेटल, साइटो मतलब समझ रहे हो ना, सेल से रिलेटेड वर्ड को साइटो बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम आपको पता है, क्लियर है ना, तो सेल का एक तरह से स्केलेटल सिस्टम साइटो स्केलेटल। तो ये हो गया हमारा, आगे लिखोगे दूसरा पॉइंट लिखोगे, इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू अदर ऑर्गेनेल्स एंड अदर सेल्स, तो यानी न्यूक्लियस से ऑर्गेनेल्स तक पहुंचा रहा है इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअली प्रोटीन, राइबोसोम याद करो वहीं से तो बनना शुरू हुआ था न्यूक्लियस से, फिर आया कहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर याद करो वेसिकल्स में आएंगे, फिर कहाँ जाएगा तो गॉल्गी बॉडी में जाएगा, तो एक तरह से इंफॉर्मेशन का ही तो ट्रांसफर हो रहा है, क्लियर है ना। तो ये हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट, आगे लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, इट हेल्प्स, इट हेल्प्स इन बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस मतलब बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस का सिंथेसिस करता है जो कि एक सेल के लाइफ को मतलब सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, और इसके लिए ना, इसके लिए इस ईआर के पास
कंटेन्स ए नंबर ऑफ एंजाइम्स फॉर दिस पर्पस। तो ईयर के पास क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इस काम को करने के लिए, ठीक है ना। इतना हमारा क्लियर हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो भी खत्म हुआ, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके बाद गॉल्गी बॉडी, और वहीं पे मैं लाइसोसोम को भी खत्म कर दूंगा क्योंकि वो एक छोटा सा टॉपिक है। और अगर टाइम मिलता है तो मैं जीईआरएल सिस्टम आपको साइड से बताऊंगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।